नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं अस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। जी हां प्रिय दर्शकों, आज जो यह वीडियो है यह मकर राशि के ऊपर है। जी हां मकर राशि वाले, आपके ऊपर शनि की 7:30 चल रही है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 23 अक्टूबर को प्रातः 9:27 से शनि जो है मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं और यह 17 जनवरी तक जो है मकर राशि में मार्गी रहेंगे। 17 जनवरी 2023 से जो है यह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो प्रिय मकर राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कि शनि मकर राशि में जो मार्गी हो रहे हैं और आपके ऊपर जो शनि की 7:30 चल रही है, इसका क्या शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। यह वीडियो 17 जनवरी 2023 तक का ही है, क्योंकि इसके बाद शनि अपनी राशि को चेंज करेंगे तो आपके जीवन में भी शनि की 7:30 का चरण चेंज होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह शनि जो मार्गी हो रहे हैं मकर राशि वाले, आपके ऊपर इसका कर्म क्षेत्र से लेकर के जीवन के ऊपर और शनि की 7:30 के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी मुख्य तौर पर यह शनि के 7:30 से ही रिलेटेड वीडियो है। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं मकर राशि वाले, शनि की 7:30 जो होती है ये प्रत्येक मनुष्य के आने वाले भविष्य को निर्धारित करने वाली होती है। 7:30 का मतलब होता है कि शनि जिस राशि में बैठता है उस राशि के एक घर आगे और एक घर पहले शनि की 7:30 प्रारंभ हो जाती है। एक्चुअली शनि कुंडली में कर्म और आय के मालिक होते हैं, पर ये दोनों करने से पूर्व आपके पाप और पुण्य को भी देखा जाता है, यानी आप अपने पाप और पुण्य किस तरीके से अपने मनोवृत्ति में लाते हैं उसी के हिसाब से आप कर्म करते हैं और वही आपके भाग्य को निर्धारित करता है। यानी शनि जो है एक पौड़ ग्रह है, एक वृद्ध ग्रह है, यही कारण है कि यह मनुष्य को धीरे 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 जो है सत्य के मार्ग पर ले जाता है, कष्ट देता है, क्योंकि शनि न्यायाधीश कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं कि मकर राशि वाले, आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की 7:30 का क्या प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि शनि की 7:30 प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 बार आता है, कभी कभी यह 4 बार होता है जब शनि वक्री हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसे तो शनि का 7:30 7.5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन शनि कभी कभी वक्री हो जाते हैं तो यह 8.5 वर्ष या 9 वर्ष तक कभी हो सकता है। और आपके साथ भी मकर राशि वाले यही हुआ है, क्योंकि शनि का 7:30 पुनः जो है चरण को चेंज करके वापस से पहले चरण में ही प्रवेश किया था। देखिए हुआ क्या था, 29 अप्रैल को शनि मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर गए थे, लेकिन जब 29 अप्रैल को शनि मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश किए तो आपके जीवन में शनि के 7:30 का 29 अप्रैल 2022 से लास्ट चरण यानी तृतीय चरण प्रारंभ हो गया था। और तृतीय चरण जो होता है आपके जीवन में यह शुभकारी होता है, परंतु देखिए होता क्या है, पुनः 12 जुलाई को जो है शनि वक्री होकर के जो है वह कहां प्रवेश कर गए, पुनः मकर राशि में प्रवेश कर गए। तो आपके साथ क्या हुआ कि पुनः तृतीय चरण से वापस आप द्वितीय चरण के शनि के 7:30 में प्रवेश कर गए। तो ऐसे स्थितियों में क्या हुआ कि शनि वक्र अवस्था में आ गए। जब शनि वक्र हो गए तो शनि का वक्र अवस्था शुभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका लग्नेश कौन है, खुद मकर राशि यानी मकर लग्न है। तो मकर राशि का स्वामी यानी लग्नेश की स्थिति जब खराब हो जाए या राशि के स्वामी की स्थिति खराब हो जाए तो यह शुभ स्थितियों में नहीं माना जाता है। यही कारण है कि समझ लीजिए कि क्या हुआ कि जब आपके जीवन में पुनः आप सेकंड चरण में आए तो सेकंड चरण मकर राशि में शनि की 7:30 को शुभ माना जाता है, लेकिन क्योंकि यह वक्री अवस्था में हो गए तो आपके जीवन में फिर से पुनः समस्याएं, प्रॉब्लम और अस्थिरताएं आनी चालू हो गई। यही कारण है कि 23 अक्टूबर से शनि जब मार्गी हो रहे हैं 17 जनवरी 2023 तक, तो आपके लिए शुभ प्रभाव देना चालू कर जाएंगे। जब शनि 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर के मध्य में मार्गी हुए तो आपके वैवाहिक जीवन में भी डिस्टर्बेंस पैदा किया, भाई बहनों से भी रिश्तों की स्थितियों में खराब आए, नौकरी में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पिता को भी कष्ट हुए, पिता से भी मतभेद की स्थितियां बनी, व्यर्थ के स्थान परिवर्तन हुए, गलत गलत डिसीजन लिए, अनावश्यक ऐसे रिश्ते में आप चले गए जिस रिश्ते में आपको नुकसान के सिवा बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के भी जीवन में परेशानियां हुई, बदनामी अलग से हुई, सिर दर्द, हेयर फॉल, तनाव, टेंशन, पैसे की कमी। जब यह वक्री रहा तो हर चीज़ें आपको देते चला गया, परंतु एक चीज़ है कि वक्री शनि प्रभावशाली होता है तो यह इतने तीव्र गति से हुआ कि आपको बहुत कम समय में यह रियलाइज भी हो गया कि एक्चुअल लाइफ क्या होता है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि पुनः अब शनि के 7:30 के सेकंड चरण में 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे और शनि जो है 23 अक्टूबर से मार्गी हो रहा है, तो आपके ऊपर इसका क्या शुभ और लाभकारी प्रभाव पड़ेगा और उपाय भी बता दूंगा। जब 23 अक्टूबर से
शनि मार्गी हो रहे हैं मकर राशि वाले, तो सर्वप्रथम शनि के साढ़साती का यह समय अच्छा रहेगा। यह आपको बड़े बड़े निर्णय 17 जनवरी 23 तक दिला देगा। मान सम्मान जो आपकी खो चुकी है वह वापस आनी चालू हो जाएंगी। पिता से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। बड़े बड़े डिसीजन और निर्णय आप स्वयं लीजिएगा। इसके अलावा जो है, जिनको नौकरी और व्यवसाय को लेकर के परेशानियाँ आई वह ठीक होनी चालू हो जाएंगी। क्रोध पे नियंत्रण होना चालू हो जाएगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छे होने चालू हो जाएंगे। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। जो प्रॉपर्टी आपकी सेल नहीं हो पा रही थी, प्रॉपर्टी सेल होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है, आपकी कुंडली में द्वितीय संतान और तृतीय संतान को लेकर के जो आप बहुत ज़्यादा परेशान डिस्टर्ब रहे वह ठीक हो जाएंगे। पैसे तो एक रुपये सेव नहीं हुए, खर्च होने की स्थितियाँ पहुँच गई, आप कर्जदार तक बन गए, तो उस परिस्थितियों में भी यह सुधार की स्थितियों को लाना चालू कर देगा। इसके अलावा लव लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए वह ठीक हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में जो स्थिति इतनी खराब हो गई, इतनी ज़्यादा कि अलग होने तक की परिस्थितियाँ पैदा हो गई, वह सुधार की स्थितियाँ उत्पन्न होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है, लव लाइफ जो आपका खराब था या प्रेम से विवाह के योगों में जो समस्याएं हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड मतभेद की जो स्थितियाँ बनी उसमें सुधार होने की संभावनाएं बन जाएंगी। वाणी दोष, ना चाहकर कभी किसी को कड़वाहट के रूप में आप कुछ बोल दिए, लोगों को बुरा लग गया, हुआ ठीक हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड, सिंगिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे थे या वक्ता या प्रवक्ता थे, आप लोगों के जीवन में अचानक सुधार की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। कोई खानदानी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा विवाद है वह ठीक हो जाएगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकलने चालू हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन के क्लेश दूर हो जाएंगे। सप्रेशन चल रहा है, अलग अलग रहने की स्थितियां पैदा हुई हैं, उसमें भी आपकी परिस्थितियों में सुधार होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है, जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें सुधार की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। और व्यर्थ की यात्राएं करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके जो आपने गलती किया है, उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय जो है, आप अपने जीवन के बड़े बड़े डिसीजन लीजिएगा। यानी 23 अक्टूबर से लेकर के 17 जनवरी 23 के मध्य में जो आपके शनि के साढ़ेसाती का सेकंड चरण का गुड इफेक्ट है वो प्रॉपर पड़ना चालू हो जाएगा। हालांकि 17 जनवरी 2023 के बाद अंतिम चरण की भी वीडियो मैं आपके लिए अवश्य बनाऊंगा बहुत जल्दी, ताकि आप आने वाले समय को आगे समझ पाएं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं एक बात यह भी बता दूं मकर राशि वाले, कि शनि की जो वक्र अवस्था से मार्ग अवस्था में प्रवेश होने वाली है, यह आपके पुरानी छुट्टी हुई नौकरी या पुराने छुट्टे हुए व्यवसाय को भी वापस कर देने वाला रहेगा और भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ भी देगा। फिर भी इसके प्रभाव को आप बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, बड़ का पेड़ में आप जल दीजिए और जल देते समय उसी मिट्टी को अपने हाथ में लेकर के थोड़ा सा तिलक लगाइए। ये शनिवार के दिन किसी भी समय पर करना है। हो सके तो गरीबों को एक कंबल जरूर दान कर दीजिए, अभी गर्मी का मौसम है तो गरीबों को कोई भी काला वस्त्र दान कर दीजिए। इसके अलावा जो है, काले कुत्तों को रोटी देना बहुत बेहतर रहेगा, उसमें कोई भी चीज़ नहीं मिलाना है, आप चाहें तो बिस्किट भी दे सकते हैं, किसी दिन भी दे सकते हैं। जितना ज़्यादा भगवान शिव का पूजा करेंगे और शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहने वाला रहेगा। इसके प्रभाव को और बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन दाहिने हाथ में काला धागा बांध लीजिए 17 जनवरी 2023 तक, फिर बाद में इसको खोल दीजिएगा। तो देखिएगा मकर राशि वाले, यह शनि जो मार्गी हो रहे हैं इसमें आपके शनि के साढ़ेसाती का सारे गुड इफेक्ट पड़ने चालू हो जाएंगे। तो प्रिय मकर राशि वाले, आज मैंने बताया कि 23 अक्टूबर से शनि मार्गी हो रहे हैं, तो आपके जीवन में इसका शुभ प्रभाव क्या पड़ने वाला है 17 जनवरी 2023 तक। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।